अलिफ बनाने के लिए क्रॉस में रखेंगे कलम को, सीधी लाइन नीचे लाएंगे, ज़्यादा दबा के हाथ नहीं रखें, हाथ को मूव करने में मुश्किल होगी। नीचे लाके नोक ऐसे खड़ी करके कलम उठा लें, दोनों सिरे क्रॉस में आने चाहिए। वे बनाने के लिए जिस तरह दाल की शेप देते हैं ऐसे कर्व में देंगे, जहाँ छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सीधा ले आएंगे, आखिर में ऊपर की तरफ मोड़ के अंदर की तरफ गोलाई देके छोड़ देंगे। ये सिरा चौड़ा आएगा, ये सिरा नोकदार होगा, नुक्ता लगाएंगे, वे बन जाएगा। पे ते टे से इसी तरह बनते हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। जीम बनाने के लिए गेम का ऊपर का सिरा बनाएंगे, गेम का ऊपर का सिरा बनाएंगे, दोनों सिरे इस तरह क्रॉस में आने चाहिए, जहाँ छोड़ा है यहीं से अंदर की तरफ गोलाई लेंगे, इसकी सीध में आनी चाहिए ये गोलाई, यहीं से नीचे की गोलाई देंगे, हल्के हाथ से छोड़ दें, नोक आ जाएगी। जीम चे हे खे इसी तरह बनेगा, सिर्फ नुक्तों का फर्क। दाल बनाने के लिए जहाँ छोड़ा है यहीं से नीचे का हिस्सा बनाएंगे, अंदर वाला सिरा जो है वो वी की तरह नुकदार होना चाहिए, बाहर वाला सिरा जो है ये इस तरह तिरछा आना चाहिए दाल का। ये दोनों सिरे इक्वल होने चाहिए। दाल 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 इसी तरह बनेंगे, सिर्फ नुक्तों का फर्क। रे दो तरह से बनती है, एक तरीका है इस तरह, दूसरा तरीका सीधा लाएंगे, थोड़ा आगे ले जाकर सिर्फ कलम की ऊपर वाली नोक आपने रखनी है, बाकी हिस्सा उठा लेना, मिला देना, ये रे बन गया। ये इसी तरह बनेगा, नुकतों का फर्क है। खुशे वाली सीन बनाने के लिए दूसरा शोशा यहाँ से बनेगा, ऊपर से नहीं बनाना है, यहाँ से ज्वाइन करना है। दूसरा शोशा पहले शोशे के मुकाबले में ज़रा बड़ा बनेगा, इसको ऊपर तक नहीं ले जाना। इन शोशों की बराबर ही बिल्कुल इक्वल यहाँ से इसका पेट बनाना शुरू करेंगे सीन का। ये सीन बन गया, नुक्ते लगाएंगे सीन बन जाएगा। दूसरा सीन बगैर शोशों के बनता है। बगैर शोशे वाली सीन बनाने के लिए मद की तरह शेप देंगे, जैसे पहले सीन का पेट बनाया था ऐसे ही इसका पेट बनाएंगे। सीन बन गया। स्वाद बनाने के लिए ओवल शेप देंगे, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठा के,
जैसे सीम का पेड़ बनाया था ऐसे ही सौत का पेड़ बनाया। स्वाद बन गया, नुक्ता लगा देंगे स्वाद बन जाएगा। तवे बनाने के लिए जैसे स्वाद के लिए ओवल बनाया है ऐसे ही ओवल शेप देंगे। थोड़ा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आगे लाकर सिर्फ कलम की नोक रखनी है आपने पेपर के ऊपर। तो इनकी डंडी बनाएंगे, थोड़ी सी अंदर की तरफ बहुत मामूली सी कर्व देके मुड़ी हुई। तो ये बन गया, नुक्ता लगाएंगे जो ये बन जाएगा। आइन बनाने के लिए जैसे हमजा बनाते हैं इस तरह आइन का सर बनेगा। फिर इनका पेट बनाएंगे, आइन का ऊपर का सर इसी पॉइंट से सिर्फ नोक से नुक्ता लगा देंगे, टाइम बन जाएगा। सेव बनाने के लिए जहाँ छोड़ा है वहीं से बे की तरह जैसे हम बे बनाते हैं इस तरह शेप देंगे, ये सेव बन जाएगी। जिस तरह फे बनाई है काफ गोल वाली इसी तरह बनेगी, बस फे का पेट बे की तरह था सीधा, काफ का पेट ज़्यादा गहराई में होगा। पेयर ऑफ पेंसिल से अलिफ बनाने के लिए पेंसिल्स की नोक इस तरह से होनी चाहिए। ऊपर वाली पेंसिल की नोक थोड़ी सी निकली हुई, नीचे वाली जो है वह थोड़ी सी पीछे, जैसे कलम का सिरा होता है क्रॉस में ऐसे ही क्रॉस है। मैंने अलिफ बनाने के लिए इस तरह दोनों की नोक क्रॉस में रखेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। दोनों सिरों को मिला दें, ये अलिफ बन गई। बे बनाने के लिए दाल की तरह शेप देंगे, सिरों को मिला देंगे, ये बे बन गए। बे पे ते टे से इसी तरह बनेंगे, सिर्फ नुक्तों का फायदा। जीम बनाने के लिए इसी तरह क्रॉस है पेंसिल रखनी है, जिम का ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, जहाँ छोड़ा है ये अंदर की तरफ गोलाई लें, इसकी सी गोलाई देंगे। सिरों को मिला दें, ये जीम बन गई। जीम चे हे ऐसी तरह बनती है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। दाल बनाने के लिए जहाँ छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नीचे वाला हिस्सा
इसकी सीध में ही आना चाहिए। दोनों सिरों को मिला दें। दाल का अंदर वाला हिस्सा वी की तरह शेप होनी चाहिए, थोड़ी नोकदार। बाहर वाला हिस्सा जब आप इस तरह से मिलाएं तो ऐसे क्रॉस में आना चाहिए, तिरछा थोड़ा सा। रे दो तरह से बनती है, एक तरीका रे बनाने का है इस तरह, सिरे मिला दें, ये रे बन गई। दूसरा तरीका है जैसे लिफ्टली लाइन बनाई थी, ऐसे लाइन लाएं सीधी, नीचे लाके थोड़ा सा कर्व दे दें, जहाँ छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करें। थोड़ा आगे तक आप दोनों पेंसिल लेके जाएंगे, उसके बाद सिर्फ ऊपर वाली पेंसिल रखनी है, नीचे वाली पेंसिल। जैसे हमने फे का मुंह बनाया था वैसे ही हम कॉफ का मुंह बनाएंगे। कॉफ का पेट जो है वो गहराई में बनेगा, गोल, जैसे सीन का पेट बनता है। ये कॉफ बन गया नुक्ते वाला। कॉफ दो तरह से बनता है, एक डंडी वाला एक बगैर डंडी वाला। बगैर डंडी वाला कॉफ बनाने के लिए सन शेप लाके छोड़ेंगे, जहाँ छोड़ा है यहीं से राउंड में नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। आगे ले जाके मोड़ेंगे, जहाँ से मोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करें। आगे ले जाके आपने कलम की डायरेक्शन चेंज कर देनी है, जो सिरा आगे था उसको आगे, जो पीछे था उसको, जो सिरा था आगे उसको पीछे की तरफ, जो पीछे था उसको आगे की तरफ ले जाना है आपने। ये काफ बन गया। दूसरा तरीका है काफ बनाने का, अलिफ की तरह सीधा नीचे लेकर आइए, थोड़ा सा मोड़, जैसे बे की बेस बनाते हैं हम वैसे ही काफ की बेस बनेगी। जहाँ से शुरू किया था यहीं से काफ की डंडी बनेगी। एक काफ बन गई डंडी वाली, एक और डंडी अगर हम बना देंगे तो ये गाफ बन जाएगी। लेकर आएंगे नीचे की तरफ, हल्का सा मोड़ के छोड़ेंगे, जहाँ से आपने टर्न किया है यहीं से लाम का पेड़ बनाइए। ये लाम बन गया। मीम दो तरह से बनती है, एक तरीका ये है जैसे हम नुक्ता बनाते हैं इस तरह से लाएं, स्क्वायर शेप आए, यहीं से मोड़ लें और मद की तरह शेप दे के छोड़ें। जहाँ छोड़ा है यहीं से अलिफ की तरह सीधी लाइन ले आए नीचे, नीचे सिरा दे के आपने छोड़ दें। दूसरा तरीका मीम बनाने का, सर्कल सा बनाएं, इस सिरे से नीचे लाइए लाइन, आगे ले जाके कलम की सिर्फ नोक से आपने शेप देनी है। ये दूसरा मीम बन गया। नून बनाने के लिए दाल की तरह थोड़ा सा आपने टर्न करना है, लेकिन दाल ज़्यादा गहराई नहीं होता, इसको कम गहराई देनी है। जहाँ छोड़ा है यहीं से नून का पेट बनाएं, ये नून कुन्ना बन गया। नुक्ता लगा देंगे हम तो ये नून बन जाएगा। वाव बनाने के लिए जैसे फे का मुंह बनता है वैसे ही वाव का मुंह बनाएंगे, और जैसे हमने रे की बेस बनाई थी वैसे ही वाव की बेस बनेगी। आगे ले जाके कलम की सिर्फ नोक से आपने शेप देनी है, ये वाव बन गया। हे दो तरह से बनती है, गोल वाली है बनाने के लिए
ऐसे सर्कल शेप देनी है आपने। दो चश्मी है बनाने के लिए। तरह ओवल शेप देनी, जहाँ छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करें, ऊपर की तरफ उठाएंगे, जहाँ शुरू किया था वहाँ तक, फिर यहाँ से मोड़ देंगे। यहाँ से इसकी बेस बनाएंगे, जैसे मीन की बेस बनाई है नोक से, ऐसे ही इसकी बेस बनाएंगे। ये दो चश्मी है बन गई। हमज़ा बनाने के लिए जैसे ऐन का सर बनाते हैं, ऐसे ही हमज़ा का सर बनेगा। नोक से आप इसका सर बनाएंगे। ये हमज़ा बन गया। छोटी बनाने के लिए जहाँ छोड़ा है यहीं से मोड़े, इसी पॉइंट से इसका पेट बनाएंगे। ये छोटी ये बन गई। यहाँ से नीचे गहराई में लाके फिर आपने उठाना है। बड़ी ये बनाने के लिए नीचे से उठा के फिर नीचे लहरा के आपने लाना है, जैसे मध बनाते हैं। थोड़ा नीचे लाएंगे, नीचे ला के कलम को बिल्कुल सीधा रखना है आपने, ऐसे इसके सिरे को सीधा रखना है। अब आपने तिरछा नहीं रखना, सीधा रखना है। सीधा रख के ऐसे सीधा ले आइए। थोड़ा आगे ला के आप कलम की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तिरछा ले आएंगे। इस तरह ये हिस्सा पतला होता चला जाएगा। ये बढ़िया बन गई। फिर ये बनाने के लिए अलिफ की तरह शेप लाएंगे, नीचे थोड़ा सा कर्व देके छोड़ेंगे, जहाँ से छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करें। थोड़ा आगे आप दोनों पेंसिल्स लेकर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर आप एक पेंसिल को उठा लेंगे, सुपर वाली पेंसिल से आप रे का सिरा बनाएंगे। सिरों को मिला दें, ये रे बन गई। रे 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 इसी तरह बनेगी। सीन दो तरह से बनती है, शोशे वाली सीन और बगैर शोशे वाली सीन। शोशे वाली सीन बनाने के लिए इस तरह गोलाई में सीन का पहला शोशा बनाएंगे। दूसरा शोशा आपने यहाँ ऊपर से शुरू नहीं करना, इस पॉइंट से उसको शुरू करना है, नीचे वाले हिस्से की तरफ से। यहाँ से ज्वाइन करें, दूसरा शोशा थोड़ा सा ज़रा बड़ा बनेगा पहले शोशे के मुकाबले में, और इसको ऊपर तक नहीं ले जाना, यहाँ ले जाके आपने स्टॉप कर देना है। अब इसकी सीध में आप सीन का पेट बनाएंगे। इस तरह तो वो इसी गोलाई दे के छोड़ेंगे, जहाँ छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करें। सिरों को मिला दें, ये शोशे वाली सीन बन गई। नुक्ते लगा देंगे, सीन बन जाएगी। बगैर शोशे वाली सीन बनाने के लिए जिस तरह हम मद बनाते हैं, इस तरह लहरदार शेप देनी है आपने। इस तरह जैसे पहले सीन का पेट बनाया है, ऐसे ही इसका पेट बनेगा। सिरों को मिला दें, ये बगैर शोशे वाली सीन बन गई। फिर ये बनाने के लिए अलिफ की तरह शेप लाएंगे, नीचे थोड़ा सा कर्व देके छोड़ेंगे, जहाँ से छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करें। थोड़ा आगे आप दोनों पेंसिल्स लेकर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर आप एक पेंसिल को उठा लेंगे, सुपर वाली पेंसिल से आप रे का सिरा बनाएंगे। सिरों को मिला दें, ये रे बन गई। रे 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 इसी तरह बनेगी। सीन दो तरह से बनती है, शोशे वाली सीन और बगैर शोशे वाली सीन। शोशे वाली सीन बनाने के लिए इस तरह गोलाई में सीन का पहला शोशा बनाएंगे। दूसरा शोशा आपने यहाँ ऊपर से शुरू नहीं करना, इस पॉइंट से उसको शुरू करना है,
नीचे वाले हिस्से की तरफ से। यहाँ से ज्वाइन करें, दूसरा शोशा थोड़ा सा ज़रा बड़ा बनेगा पहले शोशे के मुकाबले में, और इसको ऊपर तक नहीं ले जाना, यहाँ ले जाके आपने स्टॉप कर देना है। अब इसकी सीध में आप सीन का पेट बनाएंगे इस तरह, तो वो इसी गोलाई देके छोड़ेंगे जहाँ छोड़ा है, यहीं से कंटिन्यू करें। सिरों को मिला दें, ये शोशे वाली सीन बनेंगे, नुक्ते लगा देंगे, शीन बन जाएगी। बगैर शोशे वाली सीन बनाने के लिए जिस तरह हम मध बनाते हैं इस तरह लहरदार शेप देनी है आपने, इस तरह जैसे पहले सीन का पेट बनाया ऐसे ही इसका पेट बनेगा। को मिला दें, ये बगैर शोशे वाली सीन बन गई। स्वाद बनाने के लिए ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर ओवल शेप देंगे जहाँ छोड़ा है आपने, यहीं से कंटिन्यू करें। इस तरह ओवल शेप देनी है आपने, थोड़ा आगे तक लाना है, ऊपर उठाना है। जैसे सीन का पेड़ बनाया ऐसे ही स्वाद का पेड़ बनाएंगे। सिरों को मिला दीजिए, ये स्वाद बन गई, नुक्ता लगा देंगे स्वाद बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए जैसे हमने स्वाद बनाया था ओवल शेप में, ऐसे ही ओवल शेप में बनाना है ऊपर की तरफ उठा के। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे दो पेंसिल से ही, लेकिन आगे यहाँ इस पॉइंट पे लाने के बाद आप सिर्फ ऊपर वाली पेंसिल से आगे शेप देंगे, इसकी नोक बेस इस तरह बनाएंगे क्रॉस में। तो इनकी डंडी बनाएंगे थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ी हुई इस तरह, फिनिश लुक देने के लिए आप इन सिरों को मिला दें, अंदर वाली लाइन रब कर दें। ये तो बन गई, नुक्ता लगाएंगे तो जॉइन बन जाएगी। आइन बनाने के लिए हमजा की तरह इनका सर बनाएंगे, इस पॉइंट से आइन का पेट बनाएंगे। आइन बनाने के लिए इस तरह हाफ सर्कल शेप देंगे, इसी की सीध में जहाँ आपने ये छोड़ा है इसी की सीध में आपने ऐसे तिरछी लाइन लानी है नीचे की तरफ, हल्की सी गोलाई देके छोड़नी है जहाँ छोड़ा है, यहीं से आप आइन का पेट बनाएं। सिरों को मिला दें आइन में जाके, आइन का ऊपर का सर बनाएंगे। ये ना मुकम्मल है अभी इसका हिस्सा ऊपर का सर, इसका सर मुकम्मल करेंगे, ऊपर का क्राउन बनाएंगे इसका, पॉइंट्स आप ऐसे मोड़ के वापस टर्न करेंगे। जहाँ से शुरू किया है सिर्फ वहाँ तक आपने इस लाइन को डबल करना है। इस सिरे को इस सिरे से मिला दें, ये आइन बन गई है, नुक्ता लगा देंगे तो राइन बन जाएगा। फे बनाने के लिए फे का मुंह बनाएंगे, इस तरह सर्कल शेप देंगे जहाँ छोड़ा है, यहीं से आप जैसे बे बनाते हैं वैसे फे की बेस बनाएंगे। ये फे बन गई, इसको फिनिश लुक देंगे। सिरों को मिला दीजिए, इसके सेंटर में इसकी सिर्फ आई रहेगी, बाकी ये जो बीच में लाइंस आ रही हैं वो रेज हो जाएंगी। नुक्ता लगा दें,
ये फे बन गए। नुक्ते वाली काफ बनाने के लिए जैसे फे का मुंह बनाया ऐसे ही काफ का मुंह बनाएंगे सर्कल शेप में। काफ का पेट गोल बनेगा गहराई में, इसलिए इसको नीचे की तरफ गहराई में लाके फिर ऊपर लेके जाएंगे। इसको फिनिश लुक दे देंगे, सिरे मिला देंगे। इसमें भी सेंटर में सिर्फ आई बनेगी, बाकी अंदर की ये लाइन्स रेज हो जाएंगी। काफ दो तरह से बनती है, बगैर डंडी वाली काफ और डंडी वाली काफ। बगैर डंडी वाली काफ बनाने के लिए इस तरफ पर उठा के नीचे की तरफ लाएंगे, इस पॉइंट से नीचे गोलाई में मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद सीधी स्ट्रेट लाइन ले आइए, फिर आगे जाकर वापस नीचे गोलाई में मोड़ेंगे। जहाँ से शुरू किया इस पॉइंट से आगे निकलना चाहिए ये पॉइंट आपका। यहाँ से फिर कंटिन्यू करें नीचे की तरफ, फिर सीधी लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन ले आइए, आगे ले जाकर एक पेंसिल से इसका सिरा बना देंगे तिरछा। इन कॉर्नर्स को मिला दीजिए, ये बगैर डंडी वाली काव बन गई। डंडी वाली काव बनाने के लिए अलिफ की तरह सीधी लाइन लाएं, नीचे ले जाके थोड़ा सा गोलाई में कर्व देके छोड़ दें। जहाँ छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिस तरह हम बे की बेस बनाते हैं इस तरह काफ की बेस बनेगी। काफ की डंडी बनाएंगे, जहाँ जिस पॉइंट से शुरू किया था इसी पॉइंट से आपने काफ की डंडी बनानी है ऊपर की तरफ उठा के। ये डंडी बनी है, काफ बन गया। दूसरी डंडी अगर हम इसके ऊपर बना दें तो ये गाफ बन जाएगा। बनाने के लिए लाम बनाने के लिए हम अलिफ की तरह नीचे सीधी ये लाइन लेकर आएंगे, नीचे लाकर थोड़ा सा तिरछा कॉर्नर देंगे। जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा है इसी पॉइंट से फिर लाम का पेट बनाएंगे। कॉर्नर को मिला दीजिए, ये लाम बन गई। मीम दो तरह से बनती है, मीम बनाने का एक तरीका ये है जिस तरह हम नुक्ता लगाते हैं इस तरह, ऐसे ये स्क्वायर शेप बननी चाहिए। जहाँ छोड़ा है आपने यहीं से इस तरफ मद की तरह गोलाई दे, जहाँ आपने गोलाई देके छोड़ा है यहीं से आप नीचे सीधी लाइन ले आए। इन सिरों को मिला दीजिए, इन सिरों को मिला दीजिए, इन सिरों को मिला दीजिए। ये बीच की लाइन से दोनों रब कर देंगे, रेस कर देंगे तो ये मीम बन जाएगा। ये मीम बन गया। मीम बनाने का दूसरा तरीका है, इस तरह इसी पॉइंट से मोड़ कर नीचे लाएंगे। जहाँ आपने मोड़ा है यहीं से इस तरफ मोड़ लें, नीचे ले जाके एक पेंसिल से आप इसका सिरा बना देंगे। ये दूसरा मीम बन गया। लाम मीम नून बनाने के लिए
इस तरह कर देंगे, जैसे हम दाल को देते हैं, दाल को ज़्यादा गहरा कर देते हैं, इसकी गहराई ज़रा कम होगी। जहाँ हमने छोड़े इसी पॉइंट से नून का पेट बनाएंगे। सिरों को मिला लीजिए, ये नून गुन्ना बन गया, नुक्ता लगा देंगे तो ये नून बन गया। वाव बनाने के लिए जैसे हम फे का मुंह बनाते हैं वैसे ही वाव का मुंह बनेगा, सर्कल शेप में। वाव की बेस वैसे बनेगी जैसे हम रे की बेस बनाते हैं, यहाँ से आगे ले जाकर आपने सिर्फ एक पेंसिल लाइन लानी है, दूसरी पेंसिल की लाइन यहाँ तक बस लानी है आपने। यहाँ से लाके इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, ये वाव बन गई। फिनिशिंग लुक देंगे, इसके बीच में सिर्फ ये आई बनेगी, बाकी एक्सेसिव लाइंस इसके बीच में से रेज हो जाएंगी। ये वाव बन गया। गोल वाली हेयर बनाने के लिए सर्कल में शेप देंगे, ये गोल वाली हेयर बन गई। दो चश्मी हेयर बनाने के लिए इस तरह ओवल शेप में लाना है आपने, ऊपर की तरफ मोड़ना है इसको, जहाँ शुरू किया था वहाँ तक लाके फिर नीचे मोड़ना है। नीचे मोड़ के आगे ले जाकर एक पेंसिल से इसका कॉर्नर बना देंगे, सिरों को मिला देंगे। ये दो चश्मी है बन गई। दो चश्मी है बनाने के लिए इस तरह दाल की तरह शेप देंगे, थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई, जहाँ से आपने छोड़ा है इसी पॉइंट से हल्की सी गोलाई देके फिर ऊपर मोड़ेंगे। जहाँ मोड़ा है इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से शुरू किया था वहाँ लाके आपने गोलाई देनी है इसको। इसी पॉइंट से नीचे लाएंगे, नीचे लाके आपने एक पेंसिल से इसका सिरा बना देना है, इन पॉइंट्स को मिला दें। ये दो चश्मी है बन गई। हमज़ा बनाने के लिए जैसे आइन का सर बनाया था ऐसे ही हमज़ा का सर बनेगा, इस तरह हाफ सर्कल शेप। यहाँ से हमज़ा की डंडी बनाएंगे, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए। हमज़ा का सर ऐसे ही बनाएंगे जैसे आइन का सर बनाया था हमने, इसका क्राउन बनाएंगे ऊपर इस तरह। जिस पॉइंट से आपने शुरू किया उसी पॉइंट पे आके ये इस तरह ज्वाइन हो जाए, इसी पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, ये हमज़ा बन गया। ये बनाने के लिए इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे फिर नीचे की तरफ लाएंगे। इस पॉइंट से आपने गोलाई में मोड़ना है, मोड़ने के बाद थोड़ा आगे ले जाकर फिर वापस गोलाई में मोड़िए। जहाँ मोड़ा है वहाँ से नीचे की तरफ लाइए पहले, फिर ऊपर की तरफ उठाना है आपने। ऊपर की तरफ उठा के इसका सिरा बना देंगे। इस सिरे को मिला दीजिए, ये छोटी ये बन गई। बड़ी ये बनाने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ कर लाएंगे, उठा के थोड़ा आगे ला के फिर इस तरह मद की तरह लहर देनी है आपने। थोड़ा नीचे तक लाएंगे, नीचे लाके इस तरह स्ट्रेट लाइन ले जाइए, आगे ले जाकर आपने एक पेंसिल से इसका सिरा बना देना,
इस तरह तिरछा। इन सिरों को मिला दीजिए गोलाई में। ये बढ़िया बन गई है। इन सिरों को मिला के फिनिश लुक दे देंगे। डार्क कर लें, ये वाली लाइंस रेस हो जाएंगी। फिनिश कर दें। ये बढ़िया बन गई।